तो केजरीवाल वर्जन 2013, केजरीवाल वर्जन 2015, अब आ रहा है केजरीवाल वर्जन 2020। 62 सीटों के साथ प्रचंड जीत हासिल की है और 16 फरवरी को ताजपोशी होगी, उसके साथ में उनकी टीम भी जो है यहां पर शपथ लेगी। लेकिन कौन कौन टीम में कमांडो होने वाले हैं अभी ये साफ नहीं हुआ, लेकिन ये साफ है कि उसी रामलीला मैदान में एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल शपथ लेने जा रहे हैं। दिल्ली में एक बार फिर आम आदमी पार्टी ने वापसी की है, इसी के साथ आपने जीत की हैट्रिक लगा दी है। सबसे पहले आपने 2013 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी, उसके बाद 2015 और अब 2020 में बहुमत के साथ दूसरी बार जीत दर्ज की है। कुल मिलाकर 70 में से 62 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने और 8 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। आखिरी नतीजा तिमारपुर सीट का आया जो 10:05 पर घोषित किया गया। और अब बात करते हैं नतीजों से जुड़ी सबसे रोचक और अहम बातों की, सबसे बड़ी और छोटी जीत। इस बार विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत बुराड़ी से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार संजीव झा को मिली है। संजीव झा ने जेडीयू के शैलेंद्र कुमार को रिकॉर्ड 88,158 वोटों के अंतर से हराया। ये जीत का अंतर दिल्ली चुनाव के 27 साल के इतिहास में रिकॉर्ड है। सबसे छोटी जीत बिजवासन से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह की झोली में आई। भूपेंद्र सिंह ने बीजेपी के सतप्रकाश राणा को 753 वोटों से ही हराया। उम्मीदवारों की जमानत जब्त। दिल्ली विधानसभा चुनाव के रण में उतरे कांग्रेस के 66 में से 63 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। कांग्रेस के गांधीनगर से अरविंदर सिंह लवली, बादली से देवेंद्र यादव, कस्तूरबा नगर से अभिषेक दत्त ही अपनी जमानत बचा पाए। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के किसी भी उम्मीदवार की जमानत जब्त नहीं हुई है। फिर चुने गए 45 विधायक। 2015 में जीते 45 विधायकों को जनता ने फिर से चुनकर विधानसभा में भेजा है। इनमें 2 बीजेपी के और 43 आम आदमी पार्टी से हैं। महिलाओं की संख्या अब भी कम। इस बार कुल 24 महिलाएं चुनावी रण में उतरी थी, लेकिन 8 महिलाएं जीत कर विधानसभा पहुंची, जो पिछली बार से 2 ज्यादा है। दिल्ली के इतिहास में रिकॉर्ड। मटिया महल से जीते आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार शोएब इकबाल 6ठी बार विधायक चुने गए, जो दिल्ली के चुनावी इतिहास में रिकॉर्ड है। जनता का विश्वास किस पर? बीजेपी ने पिछली बार जीते 3 विधायकों को टिकट दिए थे, जिनमें से 2 विधायक जनता के विश्वास पर खड़े उतरे, लेकिन मुस्तफाबाद से बीजेपी के जगदीश प्रधान हार गए। वहीं आम आदमी पार्टी ने 45 विधायकों को टिकट दिया था, इनमें से रोहतास नगर से सरिता सिंह और लक्ष्मी नगर से नितिन त्यागी को जनता ने नकार दिया। सबसे ज्यादा और सबसे कम संपत्ति। मुंडका से जीते आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार धर्मपाल लाकड़ा सबसे अमीर हैं। धर्मपाल लाकड़ा के पास 292 करोड़ रुपए की संपत्ति है। वहीं मंगोलपुरी से जीती आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार राखी बिरलान के पास सबसे कम सिर्फ 76,421 रुपए की संपत्ति है। युवा और उम्रदराज प्रत्याशी। कोंडली से जीते 30 साल के कुलदीप कुमार सबसे युवा विधायक हैं, तो शाहदरा से जीते 72 साल के रामनिवास गोयल सबसे उम्रदराज। रामनिवास गोयल पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार में विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। आपराधिक मामलों में प्रत्याशी। 2020 विधानसभा के लिए चुने गए विधायकों में 43 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, इनमें से 5 बीजेपी और 38 आम आदमी पार्टी के हैं। सबसे ज्यादा 13 मामले आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर हैं। बीजेपी की उम्मीदों पर पानी फिर गया। जनता ने कांग्रेस को दोबारा से 0 पर ही आउट कर दिया। नई सरकार का 16 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह है, ये समारोह रामलीला मैदान में होगा। अरविंद केजरीवाल 3री बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दिल्ली डेस्क, टोटल न्यूज़।